वाराणसी के ककरमता स्थित प्रतिष्ठित में किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अतिथि प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी पूर्व वाइस चांसलर एवं गुर्दा रोग से बचाव के पारिवारिक पौराणिक तौर तरीके की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। अपने लंबे शैक्षिक अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि झारी दिनचर्या सर्वोत्तम बचाव का रास्ता है। अति विशिष्ट अतिथि में अमलम राम जी में गुर्दा रोग से बचाव सहकारी सहयोग सहायता को विस्तार से बताया एवं के वैन वीक उपायों को विस्तार पूर्व गुर्दा रोग से बचाव बताया। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री नीलकंठ तिवारी विधायक जी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में होने वाले सुधारों को इंकित किया, साथ ही साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं से आमजन को मिलने वाली सुविधा का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। मेरा संदेश यही है कि जिन लोगों को ये परेशानी हो सकती है, जो संभावित लोग हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उन सब लोगों को डे वन से शुगर को या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना चाहिए, नियंत्रित करके रखना चाहिए। वजन है तो उसको कम करके रखिए, जिससे कि आपका जो है गुर्दा खराब ना हो, हार्ट पे परेशानी ना आवे। और इसके अलावा आप धूम्रपान सेवन ना करें, गुटखा ना लें, अल्कोहल का सेवन ना करें, ये सब सारी चीज़ें, दर्द की दवाओं का अनावश्यक सेवन जो करते हैं लोग, उससे भी गुर्दे खराब होते हैं, तो ये सब ना करें। जागरूक होंगे हम लोग, गुर्दे को खराब होने से बचा सकते हैं और देश के ऊपर एक जो भार पड़ रहा है वो कम हो सकता है। तो गुर्दा जैसे जो पीड़ित हैं उनको क्या क्या से बचना है और कैसे बचना है? गुर्दे से जो पीड़ित लोग हैं उनको एक तो दर्द निवारक दवाओं को नहीं खाना चाहिए, फल फूल नहीं लेना चाहिए, फल फल के मेवे सूखे मेवे खाएंगे या फल खाते हैं तो उससे पोटेशियम बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा पानी की मात्रा कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा पियेंगे तो सूजन हो जाएगी और इसके अलावा फेफड़े में पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे सांस फूलने लगती है। तो इससे अच्छा ये है कि इन सब चीज़ों से बचें। इसके अलावा शुगर अगर है तो शुगर नियंत्रित रहे, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो वो नियंत्रित रहे, जिससे कि आगे चल के हार्ट की समस्या ना हो। और इन लोगों को मास्क लगा के रहना चाहिए, इवन कोरोना अगर नहीं भी है तो भी मास्क लगाने से फ़ायदा ये होता है कि इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो जाता है। और ज़्यादातर मरीजों में जो इनकी मृत्यु होती है, चाहे गुर्दा का मरीज हो, डायलिसिस पे हो या गुर्दा प्रत्यारोपण हो चुका हो, उन सारी परिस्थितियों में हार्ट के प्रॉब्लम होने से ही, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की वजह से ही उनकी मृत्यु होती है। तो एक तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को प्रिवेंट किया जाए इन पेशेंट्स में, और दूसरा ये कि कारण, दूसरा मुख्य कारण है मृत्यु का इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन अगर हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इनकी मृत्यु कम होगी या बहुत सारे और जो समस्याएँ आती हैं वो भी नहीं होंगी, जिससे ये ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और परिवार के लिए, समाज के लिए एक अपना जो है जो योगदान है वो दे सकते हैं और परिवार जो है आगे बढ़ सकता है। क्या लक्षण है कि मतलब उनको जानकारी होगी कि इसमें मुख्य रूप से बहुत से मरीजों में लक्षण नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है या शरीर में जो है लिपिड की मात्रा बढ़ी हुई है या दर्द की दवाएँ ज़्यादा खा रहा है मरीज, या धूम्रपान कर रहा है या एल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को गुर्दा खराब होने की समस्या होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर इन लोगों को गुर्दे खराब हो ही गए, तो जिन लोगों का गुर्दा अगर खराब हो गया तो उस परिस्थिति में पैर में सूजन आ जाएगा, चेहरे में सूजन आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, और अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उल्टी हो सकती है और हमेशा जो है कमजोरी